हे गाइस, मेरा नाम है अर्पित और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ पोको F5 के बारे में। ये फ़ोन कल चाइना में रेडमी नोट 12 टर्बो बन के लॉन्च हो गया है और इसकी प्राइसिंग बहुत ही एग्रेसिव रखी गई है। इसकी प्राइसिंग चाइना में 2000 युआन है बेस वेरिएंट के लिए, जो कि है 8256, जो कि इंडिया में करीब करीब 23-24 हज़ार रुपये के आसपास बैठता है। और ये बोलना गलत नहीं होगा कि इस फ़ोन की प्राइसिंग इंडिया में अंडर 30,000 रुपीज़ होने वाली है। इसके साथ में उन्होंने एक और स्पेशल वेरिएंट भी लॉन्च किया है, जिसको ये लोग बोलते हैं Redmi Note 12 Turbo Harry Potter Edition। उसकी प्राइसिंग 2300 युआन है, जो कि इंडिया में करीब करीब 30,000 रुपीज़ बैठता है। उसमें आपको एक ही वेरिएंट देखने के लिए मिलता है, जो कि है 8256। इसमें आपको ग्लास बैक के साथ में प्लास्टिक चेसी देखने के मिलती है और इसके बेजल्स जो हैं वो बहुत ही कम है, यानी कंपैरिजन के लिए उन्होंने आईफोन 14 का एग्जांपल दिया, उससे भी कम है। इसमें आपको 6.67 इंचेस का एक एमोलेड पैनल मिलता है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में 68 बिलियन कलर शेड्स प्रोड्यूस कर सकता है, HDR10+ डॉल्बी विजन दोनों का ही सर्टिफिकेशन साथ में आता है। इस फोन की पीक ब्राइटनेस 1000 निट्स की है और टिपिकल ब्राइटनेस 500 निट्स की है। इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी देखने के लिए मिल जाती है और 1920 हर्ट्ज का PWM डिमिंग, 360 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट भी देखने के लिए मिल जाता है और 100% DC IP3 कलर गैमेट को सपोर्ट करता है। इसमें आपको MIUI 14 देखने के लिए मिलता है और चिपसेट की अगर मैं बात करूं तो स्नैपड्रैगन 7+ Gen 2 यूज़ किया है, जो कि स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 जैसी ही परफॉर्मेंस डिलीवर करता है। इस फ़ोन में UFS 3.1 की स्टोरेज के साथ में LPDDR5 रैम मिलती है और जो बेस वेरिएंट है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं 8256 का है चाइना में, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि यही बेस वेरिएंट बन के इंडिया में भी आए। चाइना में 1TB और 16GB वाला भी ऑप्शन एक अवेलेबल है और वो वेरिएंट डेफिनेटली इंडिया में कभी नहीं आएगा। इसमें आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप ऑफर करता है Xiaomi, 64MP का प्राइमरी सेंसर है ओमनीविजन की तरफ से आने वाला अलॉन्ग विथ OIS F1.7 अपर्चर के साथ में, 8 MP का आपको मिल जाता है अल्ट्रा वाइड F2.2 अपर्चर के साथ में और 2 MP का मिल जाता है मैक्रो F2.4 अपर्चर के साथ में। इस फ़ोन से आप 4K तक रिकॉर्ड करने में कैपेबल होंगे एट 30 FPS, और फ्रंट में आपको सैमसंग का शूटर मिलता है 16MP का, 1080p तक रिकॉर्ड कर पाओगे मैक्सिमम 60 FPS तक। डुअल स्पीकर्स का सपोर्ट भी देखने के लिए मिल जाता है आपको यहाँ पे और हाईरेस ऑडियो भी है, और यहाँ पे काश इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दे दिया होता तो ज़्यादा बेटर होता, बट यहाँ पे आपको सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, 5000mAh की बैटरी और 67W का चार्जर मिल जाता है। ये फ़ोन इंडिया में 6 तारीख को लॉन्च होने वाला है पोको F5 के नाम से और इसकी प्राइसिंग 30,000 रुपीज़ के अंदर होने वाली है। देखते रहिए।